दोस्तों, जो कोई नहीं दिखाता है वो मैं दिखाता हूँ, कसम से बता रहा हूँ। सभी लोग आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं और मैं आपको ऐसी चीज़ें दिखाता हूँ जिससे आप सच्चाई देख सको। तो देखिए, मेरे ये लेफ़्ट साइड में, जो लेफ़्ट साइड है, इसमें एक ड्रेन चल रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये लेफ़्ट साइड में ये ड्रेन चल रहा है और ये बहुत ही भारी ड्रेन है, बहुत ही भयंकर ड्रेन है। और इस ड्रेन के आसपास लोग रहते हैं। देखिए, इस तरफ ये घर बना के झुग्गी झोपड़ी टाइप का इस ड्रेन में रह ड्रेन के पास में रहते हैं। देखिए कितना बड़ा ड्रेन है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस ड्रेन से फ़ायदा क्या है। इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली हमारे देश को ऐसे ड्रेनों से फ़ायदा क्यों है जिससे ये ऐसी ड्रेनें हम लोग रखते हैं, इसको हम ठीक नहीं करते, इसको ढकते नहीं हैं और ऐसी ड्रेनें बनाते हैं, इसका फ़ायदा क्या है। तो फ़ायदा कोशिश करके मैं आपको बताना चाहूँगा जो मुझे लगता है, मैंने जो अपने दिमाग से सोचा है कि क्या फ़ायदा होता होगा जो सरकारें ऐसी ड्रेनें रखती हैं। तो पहला तो मुझे ये लगता है कि ये जो ड्रेन है ना, इस ड्रेन के अंदर बहुत सारे कीड़े मकोड़े पैदा होते होंगे, जैसा कि मच्छर है, और ड्रेन के साइड में चूहे भी मेरे ख्याल से बहुत रहते होंगे। तो इस ड्रेन में जो मच्छर पैदा होते हैं, वो जो मच्छर है, तो देखिए ये साइड में, ये जो आप देख रहे हैं ना, इधर घर बने हुए, झुग्गी झोपड़ी है, बिल्कुल ड्रेन के साथ लगा हुआ झुग्गी झोपड़ी है। इस झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को मच्छर काटते होंगे। जब ये मच्छर इन झुग्गी वासियों को काटते हैं, ध्यान से देखिए कितनी सारी झुग्गियाँ हैं, बिल्कुल ड्रेन के साथ ये झुग्गियाँ हैं, मैं दिखाऊंगा आपको। तो जब ये मच्छर इन झुग्गी वाले को काटते हैं तो ये ज़रूर बीमार पड़ते होंगे, और जब ये बीमार पड़ जाते हैं तो ये जाते होंगे हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास। तो जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा, इनसे फीस लेगा और दवाई लिख देगा। तो डॉक्टर फीस लेगा तो डॉक्टर को इनकम हुआ ना। उसके बाद जब वो दवाइयाँ लिखेगा तो दवाई ख़रीदने के लिए भी मेडिसिन स्टोर जाना पड़ेगा, तो मेडिसिन स्टोर से दवाइयाँ ख़रीदेगा तो दवाई वालों को भी पैसा देगा। वो दवाइयाँ कहाँ से बन के आती हैं, फैक्ट्री से बन के आती हैं। तो फाइनली जाके वो फैक्ट्री में जो मज़दूर हैं, वर्कर हैं, मालिक हैं, मैनेजर हैं, उन सबको भी उसी से ही पैसा मिलेगा। उसके अलावा जो दवाई बेचने वाला दुकानदार है उसको भी पैसा मिलेगा, उसके कर्मचारियों को भी पैसा मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो डॉक्टर बोलेगा कि भाई अच्छा खाइए, है ना, दवाइयाँ खाते हैं तो साथ में आपको फल फ्रूट वगैरह भी खाना चाहिए, तो आप फल फ्रूट भी खरीद के खाइए। तो आप फल फ्रूट खाएंगे तो आप सब्जी वालों को भी पैसा देंगे, फल वालों को भी पैसा देंगे, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, जो ये मच्छर काट रहा है उससे आदमी जो बीमार हो रहा है, जो इन घरों में रहते हैं, वो बीमार होने के बाद डॉक्टर को पैसा दे रहा है, दुकानदार को पैसा दे रहा है, उसके बाद सब्जी फल फ्रूट वालों को पैसा दे रहा है। ये जो पैसे का ट्रांजैक्शन हो रहा है, दवाई की फैक्ट्रियों को पैसा मिल रहा है, तो ये जो पेमेंट का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो पेमेंट के ट्रांजैक्शन से सरकार को भी तो टैक्स मिल रहा है ना। सभी लोगों को पैसा मिल रहा है, डॉक्टर भी पैसा कमा रहा है, दुकानदार पैसा कमा रहा है, दवाई वाला पैसा कमा रहा है, फैक्ट्री बनाने वाला पैसा कमा रहा है, मज़दूरों को सैलरी मिल रही है, और साथ ही साथ इन सब के ट्रांजैक्शन से सरकार को भी पैसा मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये नाला होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नाला नहीं होगा तो इतना सारा जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है वो सारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होगा। सरकार को नुकसान होगा, फैक्ट्रियों को नुकसान होगा, डॉक्टर्स को नुकसान होगा, सब्जी फल बेचने वालों को नुकसान होगा, दवाई वालों को भी नुकसान होगा। तो ये नाला जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट में लिख के बताइए। और आप जिस शहर में भी रहते हैं वहाँ इस तरह के फ़ायदे देने वाले नाले हैं कि नहीं है, वो भी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए नमस्कार।